मेरे परिवारजनों, भाजपा की प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण है, वहीं कांग्रेस की प्राथमिकता महिलाओं का अपमान है, महिलाओं पर अत्याचार है। यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान की महिलाएं बलात्कार के, रेप के झूठे आरोप लगाती है। मैं जरा माताओं बहनों को पूछता हूं, क्या ये कभी संभव है? क्या कोई बहन इस प्रकार की शिकायत करने के लिए खुले में जाए, ये संभव है क्या? मैं जरा भाइयों से पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में कहीं पर भी ऐसा हो सकता है क्या? ये देश की माताओं बहनों पर राजस्थान सरकार का गंभीर आरोप है। ये देश की माताओं बहनों के संस्कार पर उन्होंने कलंक लगाने की कोशिश की है। मेरी माताएं बहनें, आपके सम्मान पर इस प्रकार की चोट करने वाले कांग्रेस को एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है। और मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री कहते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और इसलिए वो तो ऐसे प्रमाण पत्र दे रहे हैं जैसे बहनों बेटियों पर अत्याचार करना अत्याचारियों का अधिकार है। कांग्रेस की मंत्री की ये हरकत, मैं जरा राजस्थान के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं राजस्थान के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? क्या कोई नारी का अपमान करे उसे कोई मर्द कहता है क्या? कोई नारी की बेइज्जती करे उसे कोई मर्द कहता है क्या? जो नारी के सम्मान को लूटे उसे कोई मर्द कहता है क्या? क्या कभी कोई मर्द ऐसा पाप करता है क्या? क्या कभी कोई मर्द मन में भी ऐसा सोच सकता है क्या? गहलोत जी, ये आपके दरबारी लोग क्या बोल रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी है? राजस्थान के तो मर्द वो है जो बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपना सर कटवाने के लिए मैदान में उतरते हैं। कांग्रेस के इस मंत्री की एक और हरकत, कल से पूरा राजस्थान, पूरा देश देख रहा है। कल एक माता और बहन को पैसे का लालच देकर उसका वोट खरीदने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मैं आज सार्वजनिक तौर पर उस मां को, उस बहन को बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ना सिर्फ वो पैसे लौटाए बल्कि कांग्रेस के इस दागी मंत्री और उसकी टोली को करारा जवाब भी दिया है। इस तरह की हरकतें भी राजस्थान की बहनों बेटियों का बहुत बड़ा अपमान है। 25 नवंबर को जब आप लोग वोट डालने जाइए तो याद रखिएगा, आपका हर वोट ऐसे महिला विरोधी कांग्रेसियों को हराने का काम करेगा।